गाइस, वेलकम बैक। आई एम संदीप नेगी, दिस इज योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शंस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें हम डोमेन को निकालना चाहेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, आपका बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट डोमेन वाला क्वेश्चन निकालने में, ठीक है? सो प्लीज कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मॉड्यूलस, ठीक है? तो मॉड्यूलस पे प्रॉब्लम लेने से पहले थोड़ा मॉड्यूलस के बारे में बता दिया जाए आपको। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा होता क्या है, उसको समझने के लिए आपको ये लॉजिक पहले थोड़ा सा समझना होगा। मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू एक्स की पुट करें तो आंसर जो भी आएगा बेटा वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है? लेट्स से अगर मैंने 5 पुट किया तो भी 5 आता है, और अगर मैंने माइनस का 5 पुट किया तो भी आंसर 5 ही आता है ना। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको ये थोड़ा सा थ्योरी तो यहाँ पे पता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं अगला लॉजिक बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको बड़े गौर से सुनिएगा। अब फ्यूचर में मॉडुलस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर बैठा है, कोई अगर एक्स है, तो अब यहाँ पे उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक्स और एक माइनस का एक्स। वो पॉजिटिव एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी, और वो माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी। अब ये क्या मीनिंग हुआ यार, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अब देखिए, सपोज़ मैं आपके लिए कोई नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो ले लूँ, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 10 लिया। अब अगर मैं इसके अंदर 10 डालूँगा तो आपको नहीं लगता आपका जो भी आंसर आएगा वो प्लस का 10 आएगा, येस और नो? तो ये तो पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। दूसरा केस, लेट्स से मैं 0 से कोई छोटा नंबर ले लूँ और मैं यहाँ पे -10 ले लूँ। अब -10 लेने से आपका जो आंसर है वो आना तो 10 ही है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ही आता है, लेकिन जब आप यहाँ -10 डालेंगे तो -10 पॉजिटिव 10 कब बनेगा बेटा, जब ये जो माइनस आप यहाँ देख रहे हैं, इस माइनस को अगर मैं एज इट इज़ यहाँ रहने दूँ, और एक्स की जगह आपने क्या पुट किया था, एक्स की जगह आपने यहाँ -10 पुट किया था, तो आपने यहाँ -10 लिखा। अब माइनस माइनस आपको यहाँ पे प्लस का 10 मिल गया, ठीक है? तो अब आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्स की वैल्यू एक तो पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है। नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि अगर आप यहाँ कोई नेगेटिव नंबर रखें तो माइनस इंटू माइनस होके वो प्लस बन जाए, ठीक है? इस वजह से ये -1 होता है, ठीक है? अब इसी के ऊपर यू कैन सी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे डोमेन देना है और फंक्शन है आपका यहाँ पे बेटा, इट्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन तभी वैलिड होता है जब अगर उसके अपॉन में 0 आ जाए तब वो वैलिड नहीं होगा, केस ऑफ इनवैलिड, चलिए इनवैलिड यहाँ लिख देते हैं, या अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ जाए तब भी इनवैलिड हो जाता है, ठीक है? तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ना तो नीचे 0 आए और ना ही नीचे नेगेटिव आए। अब अगर नीचे 0 नहीं आना है, अगर नीचे 0 को नहीं आना है, तो डेफिनेटली एक्स माइनस मॉड एक्स की जो भी वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हुई तो यहाँ पे तो यार 1/0 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मैंने माइनस दिखा दी तो वो नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स माइनस मॉड एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए तभी ये फंक्शन जो होगा वो वैलिड फंक्शन हो सकता है, ठीक है? नाउ एज यू कैन सी एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज आर पॉसिबल, एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर आपका एक्स आंसर देगा जब आपका आंसर इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होगा एक्स की वैल्यू, तब यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और यही मॉड एक्स माइनस होता है जब एक्स की वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो जाएगी। यहाँ तक तो गेम क्लियर हो गया, ठीक है? अब सपोज मैं इन दोनों केसेस के लिए डिस्कस करूँ, लेट्स से दिस इज योर केस 1
मैं अज्यूम कर रहा हूँ जब आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी पहले वाला केस, तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक्स है, ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये मॉड एक्स आपका प्लस का एक्स बन जाएगा, ठीक है, और इसको कैंसिल करने के बाद ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली केस नंबर टू, जब एक्स हमारा ज़ीरो से छोटा है, तो यहाँ पे एक्स होगा, ये माइनस यहाँ पे है, और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। अब हम देखते हैं क्या इन दोनों केसेस के लिए ये फंक्शन वैलिड होगा भी या नहीं होगा। अब अगर मैं पहले फंक्शन के हिसाब से देखूँ, तो भाई वन अपॉन और इस पूरे की जगह, इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब आप जब भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो इस फंक्शन का जो भी आंसर आ रहा है वो तो ज़ीरो आ रहा है। अब भाई वन अपॉन ज़ीरो तो आपका यार इनवैलिड हो गया, तो यानी ये तो आंसर अब कभी आएगा नहीं, यानी आपके एक्स की वैल्यू कभी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी नहीं हो सकती, यानी ये आपका डोमेन नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकेंड चीज, इसके अकॉर्डिंगली आपका फंक्शन वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके इस केस के हिसाब से अंडर रूट टू एक्स आया। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपके फंक्शन का आंसर एक्स की सारी वैल्यू जो कि ज़ीरो से छोटी हैं उनके लिए अगर ये वन अपॉन टू रूट एक्स आया है, और अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स को, लेट से मैंने एक्स का कोई ज़ीरो से छोटा नंबर माइनस वन लिया, तो माइनस वन लेने से ये चीज़ बन जाएगी वन अपॉन माइनस का रूट टू, ठीक है ना। अब माइनस आने से रूट में भाई ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर से इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ देखी, x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी है तब भी इनवैलिड आंसर आ रहा है, जब आपके x की वैल्यू 0 से छोटी है तब भी इनवैलिड आंसर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका डोमेन होगा इस फंक्शन में, ये जो आपका यहाँ पे फंक्शन में डोमेन है, इसमें तो दुनिया का कोई नंबर आ ही नहीं रहा, तो यू कैन से नो रियल वैल्यू इज़ पॉसिबल, मतलब आप x में कोई भी रियल वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, यही है आपका डोमेन यहाँ पे, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पे आप एम्प्टी सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एम्प्टी सेट, यानी कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है यार अपना, फाइव है ना। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें समझने वाली थी इस क्वेश्चन को, अगर मैं फिर से रिवाइंड करूँ, पहला लॉजिक था ये बेटा, ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो गेम आपके लिए बहुत ईजी है। दूसरा, आपने ये दो केसेज यहाँ पे देखे, इनके अकॉर्डिंगली क्या आंसर आया, आपने जब वैल्यू पुट करी यू कैन सी दोनों बार आपका यहाँ पे इनवैलिड सिचुएशन बना, और उस इनवैलिड होने की वजह से आपका ये जो डोमेन है वो कोई रियल पॉसिबल वैल्यू उसने दिया ही नहीं, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। अब जब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, सिमिलरली वही चीज़ है, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी, इस बार आपको पता है वो पॉजिटिव एक्स देगा, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, और जब ज़ीरो से छोटी होती है तो आपको पता है माइनस एक्स बनता है जो कि ज़ीरो देगा। अब देखिए, फॉर दिस केस, ये वाला केस जिसमें एक्स आपका ज़ीरो से छोटा है, आपका जो ये फंक्शन बन रहा है ये वन अपॉन ज़ीरो टाइप का बन रहा है, तो ये तो इनवैलिड फंक्शन हो गया। इसका मतलब है आपका एक्स कभी ज़ीरो से छोटा होगा ही नहीं, केस नंबर वन। और केस नंबर टू में जहाँ पे आपका एक्स ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है, इस बार आपके फंक्शन का आंसर आ रहा है वन अपॉन रूट टू एक्स, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, यू नो, अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो डालेंगे तो ये वन अपॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो आप एक्स को ज़ीरो नहीं डाल सकते। अगर आप एक्स को ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर डाल देंगे, कोई भी बड़ा नंबर, लेट से आपने टू डाला, तो टू यहाँ डालने से ये हो जाएगा वन बाय फोर, रूट फोर हो जाएगा, जो कि एक वैलिड नंबर है, है ना। अगर आप यहाँ पे थ्री डाल देंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट सिक्स, जो कि एक वैलिड नंबर है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इस बार डोमेन बनेगा, डोमेन जो आपका बन रहा है, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, आप यहाँ सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ज़ीरो नहीं डाल सकते, लेकिन ज़ीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप डाल सकते हैं, तो डोंट यू थिंक योर डोमेन विल कम लाइक दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ अ होल, यानी ज़ीरो नहीं डाल सकते, और ज़ीरो के बाद तो आप कुछ भी डालिए टिल इन्फिनिटी, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या था, पिछली क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पे माइनस डालने से इनवैलिड हो रहा था, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू डालने से ये इनवैलिड नहीं हो रहा है।
एंड दिस इज योर डोमेन. ठीक है, थैंक्स यू.